राजस्थान की गहलोत सरकार पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का बंगला खाली नहीं कराएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूर्व मुख्यमंत्रियों के बंगलों को बचाने की दरअसल पूरी कोशिश करने में लगे हैं। राजस्थान हाई कोर्ट ने राजस्थान मंत्री वेतन संशोधन अधिनियम 2017 को अवैध घोषित कर दिया था। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्रियों के आवास समेत अन्य सुविधाएं बंद होने के कयास लगाए जाने लगे थे, लेकिन राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ कर दिया है कि सरकार ना तो वसुंधरा राजे का बंगला खाली कराएगी और ना ही अन्य सुविधाएं वापस लेगी। आज अगर देश में कानून का राज रखना है तो कानून क्या कहता है, जुडिशी क्या फैसला देती है, उस पर पूरे देश को चलना पड़ता है और चलना चाहिए, तभी कानून का राज रहेगा। अगर हम ये बात करें तो इसलिए इसमें कोई क्वेश्चन आंसर की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जो जुडिशी का फैसला होगा वो शिरोधारी होगा, ये मैं कह सकता हूँ। जरूरी नहीं है कि आज पूर्व मुख्यमंत्री जिसमें रहती है बंगला है, वो दो बार मुख्यमंत्री रही है, वो तो जरूरी नहीं कि ये जो फैसला हुआ उससे कोई उसका बंगले को खाली करवाने का कोई लिंक हो, कोई लिंक नहीं होता है। सरकार फैसला करेगी कि हमें जो हमारी पॉलिसी है सीनियर्स को बड़ा बंगला देने की उसके अंतर्गत क्या फैसला होगा। गहलोत पूर्व मुख्यमंत्रियों को बंगला देने के नियम तय करना चाहते हैं, जबकि हाई कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को किसी भी तरह की सुविधा नहीं दी जा सकती है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट भी उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्रियों के बंगले खाली कराने का आदेश दे चुका है। बावजूद इसके राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोर्ट के आदेश के बीच कोई रास्ता तलाशते दिखाई पड़ रहे हैं। R9 TV के लिए राजस्थान से संजय वर्मा की रिपोर्ट।